नमस्कार। जय गौ माता दी। सभी राष्ट्रभक्तों गो भक्तों को मेरा प्रणाम नमस्कार। मित्रों, एक बार फिर मैं आपके बीच में सप्तऋषि पंचगव्य उत्पाद एवं प्रशिक्षण केंद्र नारनौंद हरियाणा की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक अलग प्रोडक्ट की ओर बात करने वाले हैं। हमारे पास अभी 100 से 150 की रेंज के प्रोडक्ट हैं। पहले मैं आपको दोस्तों ये बात बता दूं कि हमारे पास 100 से 150 की रेंज में प्रोडक्ट हैं, जिनकी हम एक एक करके वीडियो बनाएंगे, आपको डिटेल देंगे। इसलिए हमारी वीडियो से आप जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, देखने के लिए बोलना, क्योंकि इससे गौ माता बचेगी, हमारा राष्ट्र बचेगा, आप बचेंगे, आपका स्वास्थ्य बचेगा। तो चलिए मित्रों, आज का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। आज का हमारा प्रोडक्ट है फिर से दंत मंजन का, जो हमारा पंचगव्य में दंत मंजन बनता है। इस पे मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हमारे उसका लिंक मिलेगा, या फिर आप पीछे जो वीडियोज हैं उनमें उसको देख सकते हैं। एक तो हमने स्टार्टिंग में एक दंत मंजन का बनाया था जो कि काले रंग का दंत मंजन था, सामान्य दंत मंजन था, उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करके हमने अब दोबारा बनाया है। और एक मैंने अभी लाल दंत मंजन का भी वीडियो डाला था, वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सप्तऋषि काला दंत मंजन। तो दांत के बारे में जो बाजार में दांतों की पेस्ट हैं, जो दंत मंजन मिलते हैं, उनके बारे में मैंने पहले वाली वीडियोस में भी काफ़ी आपको बताया है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि बाजार के जितने भी पेस्ट हैं, चाहे कोई आयुर्वेदिक के कुछ भी, जितने भी पेस्ट हैं, सभी में SLES मिलता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, जो है बहुत खतरनाक है, कैंसरकारक है मानव शरीर के लिए, और फ्लोराइड जैसे केमिकल उसमें मिलते हैं, उसको नहीं करना चाहिए, उससे पेट भी खराब होता है, स्वास्थ्य भी खराब होता है, अनेकों बीमारी आती है। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप पहले वाली वीडियोज हमारे देख सकते हैं। तो उन सब बीमारियों को दूर करने में हमारे टूथपेस्ट या टूथब्रश का भी बहुत अहम रोल होता है, इसलिए हमें धातु या फिर कोई भी टूथ पाउडर यानी दंत मंजन ही उपयोग में लाना चाहिए। वो भी अच्छी क्वालिटी का लाएंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जो चीज़ जीभ को टच करेंगे वो आपके पेट में भी जाएगी और हर चीज़ को प्रभावित करेगी, आपकी लसिकाओं को भी प्रभावित करेगी, आपकी लार को भी प्रभावित करेगी। इसलिए आप दंत मंजन का उपयोग करें और स्वस्थ रहें। दांतों में किसी भी तरह की बीमारी हमारे इन दंत मंजन से दूर होती है, इससे जो सप्तऋषि काला दंत मंजन है और लाल दंत मंजन है दोनों से। पायरिया वगैरह, दांतों में झंझनाहट, दांतों में कीड़ा लगना, किसी भी तरह की कैविटी या कोई भी समस्या है दांतों की, मसूड़ों से खून इत्यादि आना, सभी समस्याओं में ये दंत मंजन कारगर हैं, आप इनको उपयोग में ला सकते हैं। इसका काला रंग है, इसमें थोड़ा सा एक दो इंटीग्रेंट्स कम है, लेकिन ये भी कारगर है। और लाल दंत मंजन है, वो भी एडवांस दंत मंजन है, उसका लाल कलर है, आप जो चाहे वो हमसे मंगवा सकते हैं। और इसके बनाने का जो घटक है, गौ में भस्म, सेंधा नमक, अमृत धारा, गौ घृत, देसी गाय का घी, लौंग, फिटकरी, त्रिफला इत्यादि, ऐसी हम जड़ी बूटियों से इनको बनाते हैं। सामान्य उपयोग में भी आप इसको उपयोग में ला सकते हैं, दांतों के सभी रोगों में कारगर है ये। तो सप्तऋषि काला दंत मंजन आपके बीच में आज मैं ये जो प्रोडक्ट लेकर आया, इसका फोटो भी आपने देखा साइड में, तो आप इसको उपयोग में लीजिए और हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर कोई क्वेरीज है तो हमारे कमेंट में पूछिए, आप हमें कॉल करके पूछिए, आपके कमेंट का, आपके सुझाव का हम स्वागत करते हैं। इसी के साथ जय गुरु।